हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा ब्राइडल मेकअप का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जो ट्यूटोरियल मेरी रियल ब्राइड का है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो यूट्यूब पे, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाती रहूँ। सो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए कंसिस्टेंट रहूँ एंड और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सो चलो मैं आपको अब इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि मैंने कैसे क्या क्या यूज़ करा है। सबसे पहले मैंने यूज़ करा है इनके फेस पे क्लेंज़र, इनके फेस को क्लेंज़ करा। उसके बाद हमने सेटिंग स्प्रे यूज़ करा, विच इज़ फ्रॉम मैक प्राइम। वो पार्ट मेरे मिस हो गए, क्लिप्स नहीं है उसकी। सो उसके बाद हमने एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है, जस्ट बिकॉज इनकी पहली बात ऑयली स्किन थी, एंड दूसरी बात द थिंग इज़ इनके फेस पे हल्का हल्का ओपन पोर्स भी हो रहे थे, एंड जो वेदर था वो बिल्कुल भी एकदम ड्राई सा नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऑयली ह्यूमिड वेदर हो रहा था, एंड गर्मी का भी मौसम था। डेट्स वाई हमने इनके फेस को सिर्फ उसमें हाइड्रेशन दिया है, मॉइस्चराइजेशन नहीं दिया। ओनली हमने यूज़ करा था द थिंग इज़ वाटर क्रीम। एंड देन आफ्टर दिस हम यूज़ कर रहे हैं एक प्राइमर विच इज़ फ्रॉम स्मैश बॉक्स। अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप स्मैश बॉक्स पर जाओ, दैन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रिकोड एस ऑफ बेस। उसके बाद हमने रिकोड का एक डॉट कंसीलर लिया है, लिक्विड कंसीलर लिया है, जिस जो कि ऑरेंज कलर का है। अगर आपको पैलेट्स नहीं लेने तो आप सिंगल ऑरेंज कलर भी ले सकते हो। एंड ये मैंने स्पेशली इसलिए यूज़ करा बिकॉज ये एक मैटिफाइंग प्रोडक्ट है, मैटिफाइंग कंसीलर है। इनके फेस पे जहाँ जहाँ पे भी अनइवननेस हो रही थी, डार्क स्पॉट हो रहे थे, हमने वहाँ वहाँ पे लगा दिया है एंड उसके बाद उसको ब्लेंड कर दिया है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर वेदर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है तो आपको मोस्टली सारे मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। मैंने इनके ऊपर सारे मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स ही यूज़ करे थे। उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज़ करा है कैरेक्टर कॉस्मेटिक का डार्क शेड, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ मैटिफाइंग कंसीलर। ये भी आपको फुल कवरेज देता है प्लस एकदम मैट इफेक्ट देता है एंड काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन भी हो जाता है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। प्रॉपरली जो ऑरेंज करेक्टर हमने करा था इनके फेस पे, उसको कैंसिल आउट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक डार्क शेड यूज़ करा है विच इज़ फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक। आपको ऑलवेज प्रोडक्ट का सिलेक्शन सीजन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका सीज़न बहुत ज़्यादा ड्राई है देन आपको हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। अगर आपका वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है देन ऑलवेज़ गो फॉर मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स। एंड सबसे अच्छी बात, अभी आप ये देखो इंस्टेंटली फुल कवरेज दे रहा है। और दूसरी बात, मैं देखो थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ एंड लगा रही हूँ, एकदम से फुल फेस पे नहीं लगाया है। अगर इकट्ठा मैं फुल फेस पे लगा देती तो ये पैच बना देता, वहीं पे इकट्ठा हो जाता, ड्राई हो जाता। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको छोटे छोटे पोर्शंस में ही लगाना है एंड देन उसको ब्लेंड करना है एंड देन उसके बाद आपको आगे जाना है। अब इनका फेस वन टोन में आ चुका है। नेक को अभी आप अवॉइड करो, उनका नेक बहुत ज़्यादा येलो हो रहा था, फुल बॉडी बहुत येलो हो रही थी बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा हल्दी लगाई थी फेस पे। तो हमने जैसे तैसे करके क्लींस कर दिया एंड नेक पे बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक्सट्रीमली फुल बॉडी हल्दी हल्दी हो रही थी। तो उसको भी हम कवर करेंगे नेक को, पर उसको हम कवर अप बाद में करेंगे। हल्का सा मैंने फॉरहेड पे भी लगाया जिससे कि हल्की बहुत जो डार्कनेस है वो कैंसिल आउट हो जाए। एंड देन आई एम यूजिंग फाउंडेशन विच इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड फेंटी ब्यूटी। मैंने एक मीडियम शेड लिया था हुडा ब्यूटी का एंड फेयर शेड लिया था फेंटी ब्यूटी का। उन दोनों को मिक्स करके एक शेड बनाया है एंड देन हम अप्लाई कर रहे हैं एक बफिंग ब्रश से। फेंटी ब्यूटी भी एक मैटिफाइंग फाउंडेशन है, हुडा ब्यूटी भी एक मैटिफाइंग फाउंडेशन है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन फेंटी ब्यूटी एंड हुडा ब्यूटी। इज़ जो फेंटी ब्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, एकदम बहुत थिक नहीं है। हुडा ब्यूटी इज़ बिट थिक, वो थोड़ा रनी है फेंटी वाला, एंड दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट है। उसके अलावा अगर आपको नहीं लेना देन यू कैन गो विथ रिकोड। रिकोड के जो हमारे फाउंडेशन आते हैं एस ऑफ बेस वाले, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, दे आर ऑल्सो मैटिफाइंग फाउंडेशन। फुल फेस पे हमने थोड़े थोड़े पोर्शंस में लगाया है जिससे कि फाउंडेशन ड्राई ना हो जाए एंड वो पैच ना बना दे। उसके बाद हमने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, उससे हम प्रॉपरली ब्लेंड कर रहे हैं।
ऑलवेज रिमेंबर, ब्लेंडिंग में आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस लगेगा। आई सॉ सम ऑफ द पीपल जो कि ब्लेंडिंग में टाइम नहीं देते, जल्दी जल्दी ब्लेंड कर देते हैं, उनका मेकअप बहुत एकदम पैची लग रहा होता है बिकॉज वो प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं कर रहे होते हैं, एक्सेस प्रोडक्ट फेस पे लगा ही छोड़ देते हैं। अगर फेस को उतना ही देना है आपको जितना उसकी नीड है, अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपकी बॉडी को थोड़े से खाने की नीड है एंड आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो आपको डेफिनेटली उल्टी ही होनी है। सो द थिंग इज यही चीज़ मेकअप में होती है, आपको जितना नीडेड है आप उतना लगाओ, प्रॉपरली ब्लेंड कर दो अच्छे से। अब इनका फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लॉलेस लग रहा है। यहीं पे बहुत से लोग गलती करते हैं, फाउंडेशन का शेड भी वो लोग सेलेक्ट नहीं करते, समटाइम ज़्यादा फेयर ले लेते हैं, समटाइम डार्क ले लेते हैं, समटाइम स्किन टोन ले लेते हैं, तो इन सभी केस में मेकअप डल पड़ जाता है, मेकअप ग्रे पड़ जाता है। सो आपको सिलेक्शन भी आना चाहिए कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है। एंड अगर आप एक बिगनर हो, आप एक कोर्स करना चाहते हो, हमारा एक ऑफलाइन कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है 1-10 सितंबर में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको 10 डेज का कोर्स होने वाला है विद प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज, टूल्स नॉलेज, वैरायटी नॉलेज, हर एक चीज़ की आपको नॉलेज रहेगा अबाउट स्किन केयर, स्किन प्रोडक्ट, कौन से वेदर में कौन सा फाउंडेशन देना है, कौन सा कंसीलर देना है, ब्लेंडिंग कैसे करना है, कितनी करनी है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। मेरे सारे सिग्नेचर लुक्स आपको सीखने को मिलेंगे एंड द फीस इज़ ओनली 5,000 रुपीज़, जिसमें 1,000 गुडी बैग एब्सोल्युटली फ्री है। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप। अब हमने एक हाइलाइटिंग कंसीलर लिया है जो कि मैटिफाइंग है, आप टार्ट यूज़ कर सकते हो या फिर आप रिकोड यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रिकोड का 02 यूज़ करा है, इनके फेस को हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, इनके फेस को थोड़ा सा हाईलाइट इफेक्ट देने के लिए। हल्का हल्का आपको ब्लेंड करना है प्रॉपरली, एकदम से अभी आप देखो मैंने आईज़ के नीचे ब्लेंड तो करा है बट मैंने अभी प्रॉपर ब्लेंड नहीं करा तो एकदम पैच बन रहा है। अगर आप प्रॉपर ब्लेंड नहीं करोगे तो ऐसे पैच बन जाएगा, बट अब मैं इसको दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि इवन हो जाए, एकदम से कुछ अलग से लाइंस क्रिएट ना हो हमारे फेस पे। ओके, यू कैन यूज़ एनी कंसीलर यू वांट। आज हम टू फेस्ड के कंसीलर यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज जो टू फेस्ड कंसीलर हैं वो हाइड्रेटिंग है, हाइड्रेटिंग कंसीलर भी आपको यूज़ नहीं करना है बिकॉज जो वेदर है वो ह्यूमिड वाला है, गर्मी वाले मौसम में आपको थोड़ा सा मैटिफाइंग चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करनी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, बिकॉज हमारे स्किन पर नेचुरल ऑयल्स होते हैं। अगर आप हाइड्रेटिंग और ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करोगे एंड फेस पे भी ऑयल है तो मेकअप आपका फट जाएगा। एंड नाउ अब हम फुल फेस को प्रॉपरली लॉक कर रहे हैं यूजिंग लूज पाउडर। आज हमने यूज़ करा था हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर एंड नाउ हल्का हल्का फुल फेस को और सेट कर रहे हैं दोबारा से यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि मैंने मैक के यूज़ करे हैं। एंड द थिंग इज़ काफ़ी अच्छे से आपका बेस वाटरप्रूफ बना देते हैं, ये बहुत अच्छे वाटरप्रूफ कॉम्पैक्ट्स हैं। आई नो इट्स बिट एक्सपेंसिव बट वर्थ इट हैं, आपका बहुत ज़्यादा चलता है, 40-50 क्लाइंट्स तो आप ईजिली निकालोगे इससे ईजिली। फुल फेस पे हमने हल्का हल्का लगाया है यूजिंग ब्रश, आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये स्टेप कर भी सकते हो एज पर योर चॉइस। हल्का हल्का अंडर आइज में भी हमने लगा दिया है स्मॉल ब्रश की हेल्प से, फॉरहेड पे भी हमने लगा दिया है, जहाँ जहाँ पे नहीं लगाए कॉर्नर्स वगैरह में वहाँ पे भी हमने प्रॉपरली लगा दिया है। अब नाउ इट्स टाइम फॉर आई मेकअप, जिसके लिए सबसे पहले मैंने आईलिड को प्रैप करा था, एक कंसीलर लगाया था लाइट कलर का, उसको मैंने हल्का हल्का लूज पाउडर सेट करा था जिससे कि हमारा जो कंसीलर है वो क्रीज ना कर जाए। एंड नाउ अब हमने स्टार्ट करा है आई मेकअप्स, तो उसके लिए मैंने आज यूज़ करी थी हुडा ब्यूटी के एम्पावर पैलेट। सबसे पहले मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है, उससे हम ट्रांजिशन एरिया डिफाइन कर रहे हैं जिससे कि हमारी आईज़ बहुत अच्छी लगे, बहुत सुंदर लगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको पता है ब्लेंडिंग पे बहुत ध्यान देना है। आई सॉ सम ऑफ द पीपल, मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे आते हैं कुछ जिनका आई मेकअप में ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं हो रही होती, उनको ब्लेंडिंग आ ही नहीं रही होती है, एकदम से सी सा शेप बना देते हैं, विच इज़ हमें मेकअप में नहीं करना है वो चीज़, हमें मेकअप एकदम ब्लेंडेड रखना है, बहुत हार्श नहीं लगना चाहिए आपका मेकअप। ऑलवेज रिमेंबर दिस, चाहे वो आई मेकअप हो चाहे वो फेस मेकअप हो, आपको हर चीज़ सटल रखनी है, ब्लेंडेड फॉर्म में रखनी है, तो ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा।
मैं 2 से 3 बार प्रोडक्ट लेती हूँ, अप्लाई करती हूँ, फिर ब्लेंड करती हूँ, फिर लेती हूँ, फिर अप्लाई करती हूँ, फिर ब्लेंड करती हूँ। कभी इकट्ठा आप मुझे देखना, कभी मैं इकट्ठा नहीं रखती। आपको अगर नीड पड़ी आप 3 बार लो, आप 4 बार लो, आप 10 बार लो, जब तक आपको अपना डिज़ायर अमाउंट का वो इंटेंस नहीं मिल रहा तब आप ले सकते हो। उसके बाद हमने आउटर कॉर्नर पे हल्का सा ब्राउनिश कलर डिपॉजिट करा एंड उसको साथ ही साथ ब्लेंड करा, रख के नहीं छोड़ा। वही चीज़ आपको एक बार करनी, 2 बार, जितना भी आप करना चाहो इंटेंस, आप उतना इंटेंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। मेरी ब्राइड को बहुत ज़्यादा प्यारा सा आई मेकअप चाहिए था एंड बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए था। शी डोंट वॉन्ट वेरी लाउड मेकअप। जो एक मेरा मेकअप था उन्होंने मुझे वही रेफरेंस दिखाया था, मैंने वही लुक उनकी आईज़ पे क्रिएट करा है। सो अब हमने हल्का हल्का दोबारा से लिया है, ब्लेंड करा है। अब हल्का हल्का हम क्या कर रहे हैं, लिड पे एक ग्रे कलर का शेड हम रख रहे हैं, जहाँ पे वो शेड नहीं लगाया सिर्फ और सिर्फ वहीं पे। इससे क्या होगा, जो अब हम शिमर लगाएंगे ना वो एकदम उठ के आएगा, मतलब और ज़्यादा पॉप आउट होके दिखेगा। दैट्स वाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, दोनों साइड आपको करनी है ये चीज़। अगर आप चाहो उसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप शिमर दे सकते हो एज़ पर योर चॉइस। एंड आपको ब्लेंड करना है, हार्श नहीं लगना चाहिए वो चीज़, प्रॉपरली ब्लेंड करते जाना है। एंड देन दोबारा मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया, जैसे मैंने ट्रांजिशन ब्लेंड करा था उससे हल्का हल्का जो भी एजेस बन गए, जो भी लाइंस बन गए, उसको हम डिफ्यूज़ कर रहे हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सिंपल है, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तब यू नो कि इट्स नॉट सिंपल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देख के आप नहीं सीख पाओगे। आप देखो, प्रैक्टिस करो, रिक्रिएट करो लुक्स, मेरे को टैग करो, मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी आपके पिक्चर्स, आपका वर्क। एंड नाउ अब हम एक ब्रोंजी कलर ले रहे हैं, विच इज़ अ गोल्डन ब्रोंजी कलर, डल गोल्ड, बिकॉज इनका जो लहंगा है वो भी डल गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडर्ड है, उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करी गई है। प्रॉपरली हमने एक कट क्रीज फॉर्मेशन में लगाया। उसके बाद हमने लिया एक ब्राउन कलर का काजल पेंसिल। इनको मुझे आई मेकअप अच्छा देना था पर एकदम बहुत हैवी लाउड नहीं देना था, डैट्स वाई मैंने ब्राउन कलर की काजल पेंसिल ली, उसे हल्का हल्का मोटा मोटा सा लगाया, हल्का हल्का स्मज करा उसको, हल्का हल्का हम स्मज कर रहे हैं जिससे कि वो चीज़ डिफ्यूज़ हो जाए हमारी। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं दिखाना। एंड उस पर हल्का सा हमने शिमर लगा दिया। शिमर हमने लिया था वो हमने रेड और हल्का सा ब्रोंजी कलर मिक्स करके यूज़ करा था। एंड उसके बाद हम विंग क्रिएट कर रहे हैं दोनों साइड। एंड ट्रस्ट में पता ही, आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। ब्राइड की स्पेशल डिमांड थी कि उनको यही आई मेकअप चाहिए। मैंने अपनी एक मॉडल पे करा हुआ था तो वो रेफरेंस उन्होंने मुझे दिखाया हुआ था कि लाइक मुझे वही चाहिए। एंड नाउ अब हम कर रहे हैं अपनी ब्राउज़ को फिल इन। ब्राउज़ को फिल इन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्राउज़ फिल इन नहीं करते प्रॉपरली, फिर बहुत ज़्यादा डार्क शेड ले रहे हो ब्राउज़ को फिल इन करने के लिए, आपका मेकअप वहीं पर ख़राब हो जाएगा। भले आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, अगर आपने ब्रोज ख़राब कर दी ना, मेकअप आपका डेफिनेटली ख़राब ही दिखना है एट द एंड। सो ऑलवेज़ आपको हेयर शेड से 1 शेड लाइटर लेना है, ना कि डार्कर। एंड प्रॉपरली उसको फिल इन करना है, आगे के साइड पे लाइट रखना है, पीछे के साइड पे आप डार्क रखना है। हमें ओम्ब्रे में जाना है ब्रोज में, एंड दोनों ब्रोज मेक श्योर कि इक्वल लगे। 19-20 का थोड़ा बहुत फ़र्क है चलेगा, बट एकदम डिफरेंट नहीं लगना चाहिए कि एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक ज़्यादा डार्क हो रही है, एक ज़्यादा लाइट हो रही है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस, ब्रोज आपके मेकअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिफोर ब्रोज आप देखो एंड आफ्टर ब्रोज आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा मेकअप में। काफ़ी अच्छा लगने लगा है हमारा मेकअप अब। नाउ अब हम काजल लगा रहे हैं विच इज़ फ्रॉम रिकोड। ये काजल ना ट्रस्ट में बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस पर वाटर टेस्ट करा है, मैंने इस पर स्टे टेस्ट करा है, काफ़ी अच्छा है। ये रिकोड का है, जेट ब्लैक है एंड स्मज प्रूफ नहीं होता, एकदम स्मज नहीं होता, स्मज प्रूफ है। ब्राइट चाहे कितना भी रोले गायब नहीं होगा आपका काजल। नाउ हमने जो हमने ट्रांजिशन शेड लिया था उसको एक स्मॉल ब्रश में लेके नीचे के साइड ब्लेंड कर दिया है। नाउ हम यूज़ कर रहे हैं मस्कारा विच इज़ फ्रॉम मेबलिन। मेबलिन के मस्कारा मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं।
अदर देन यू कैन गो फॉर लॉरियल, लॉरियल का भी मस्कारा अच्छा है, बट मुझे लॉरियल से अच्छा वॉन्ड इसका लगा, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी ईजी, ऊपर भी ईजिली अप्लाई हो जाता है, नीचे भी ईजिली अप्लाई हो जाता है, तो अलग से दो दो वॉन्ड आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हम कर रहे हैं ब्रोंजिंग इनके फेस पे। ब्रोंजर के लिए मैंने रिकोड की पैलेट ली है, इस पैलेट में आपको ब्रोंजिंग के कॉन्टोर के शेड मिल जाते हैं, एक हाइलाइटर का शेड मिलता है और 3 कॉम्पैक्ट पाउडर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है एंड अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है। इतनी अफोर्डेबल एंड इतनी अच्छी क्वालिटी आपको कहीं और किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अप्रॉक्स आई थिंक 1300 या फिर 1200 की मैंने ये ली हुई थी। उसके बाद हमने फॉरहेड कर दिया जैसे ब्रोंज, एंड हल्की हल्की की डबल चेन हो रही थी तो वो भी हम हल्का हल्का ब्रोंज कर रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा इन्हेंस ना हो, एंड नीचे की साइड हम इसको ब्लेंड करते जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आप लुक करोगे ना ब्रोंजिंग ब्लशिंग, धीरे धीरे लुक आपका इन्हेंस होता जाएगा। स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट फाइनल लुक बहुत अच्छा निकल के आता है चीज़ों का। सो द थिंग इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको हर एक चीज़ अच्छे से आने लगेगी, आपके चीज़ और अच्छी होने लगेगी। अब हमने हल्का हल्का नोज़ पे ब्रोंजिंग करी यूजिंग सेम पैलेट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सोचो कि आप देख के सीख जाओगे तो ऐसा नहीं होता है, आपको देखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब नाउ हम यूज़ कर रहे हैं ब्लशर फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक पैलेट, यू कैन यूज़ एनी पैलेट यू वॉन्ट, एंड इसका भी स्टे अच्छा है, पिगमेंट अच्छा है। इसमें आपको 2 हाइलाइटर मिलते हैं एंड 6 ब्लशेज मिलते हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट सब स्किन पे चल जाएंगे। अब नाउ जो भी एक्सेस पाउडर है या फिर जो फॉल आउट हुआ है हमारे आई मेकअप का, उसको हम रिमूव कर रहे हैं, जो भी शिमर वगैरह लग गया है उसको हम क्लीन कर रहे हैं यूजिंग स्मॉल ब्रश। अब आपको देखो हल्का हल्का हमने ब्लशेस और करेंगे, हल्का सा हम ब्लशी लुक और रखेंगे इसको, बिकॉज ब्लश इज़ समथिंग जो कि कुछ टाइम में फेड हो जाता है, ब्लश गायब हो जाता है। सबसे जल्दी जो चीज़ गायब होती है मेकअप में से वो होता है हमारा ब्लश, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा, तो इसलिए हम इसको और लगा रहे हैं। एंड लास्ट में फाइनल टचेस में हमने एक बार और ब्लश दिया हुआ था, हल्का हमने नोज़ पे भी लगा दिया है, चिन पे भी लगाया है फॉर सॉफ्ट लुक। अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप ब्लश रख सकते हो, क्लाइंट को कम चाहिए आप कम लगाओ, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा लगाओ। अब हमने यहाँ पे एक लिप लाइनर यूज़ करा है विच इज़ फ्रॉम रिकोड। मैंने पता है काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ट्राई करे, आई यूज़ मैक, आई यूज़ हुडा, बट मुझे उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज कुछ टाइम तक तो वो काम करते हैं 1 से 2 बार, उसके बाद वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं, मतलब पिगमेंट नहीं देते। ये इतना अच्छा है कि एकदम आप 1 स्वाइप में लगाओगे, 1 स्वाइप में पिगमेंटेशन देता है। मैंने रिकोड का नहीं, शुगर का मंगाया था, मैंने के ब्यूटी का मंगाया था, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देख के, बट यार ट्रस्ट नहीं, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बिकॉज उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आउटलाइनिंग कर रहे हैं हम ब्राउन कलर से, एंड उसके बाद हमने इनको लगाया था एक न्यूड कलर, जो कि है सबसे पहले तो हमने यूज़ करा हुडा ब्यूटी का शेड वाइफी, ये जो मैक का शेड है बर्न स्पाइस, उससे मिलता जुलता शेड लग रहा है मुझे एकदम। आप चाहो मैक का बर्न स्पाइस लगा सकते हो, आप चाहो ये लगा सकते हो, एज़ पर योर चॉइस, जो भी आप लगाना चाहो। एंड उसके बाद हमने रिकोड की एक लिक्विड लिपस्टिक लगाई थी, आई थिंक इन द नंबर 06, वो हल्का सा ऑरेंजिश पीची कलर है, इसके ऊपर हमने वो चीज़ लगाई थी। सबसे पहले हमने ब्राउन का बेस दिया, हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था ब्राउन ब्राउन एकदम, सो हमने इसके ऊपर कोरल ऑरेंज शेड लगाया था विच इज़ फ्रॉम रिकोड। वो भी लिपस्टिक काफ़ी अच्छे हैं, मैट फिनिश देते हैं बट कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करते, आपके लिप्स को चैप ही नहीं बनाते।
स्प्रे। अब देखो मेरे हाथ में रिकॉर्ड की लिपस्टिक है, मैं ब्रश की हेल्प से उसको अप्लाई कर रही हूँ। लिप शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया है। सो सम ऑफ द पीपल जिनकी लिप शेपिंग प्रॉपर नहीं होती, वो लिप शेपिंग प्रॉपर नहीं करते, टाइम नहीं देते। अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है एक्स्ट्रा हो गया है, लग गया है कहीं पे इधर उधर, तो आपको लिप्स क्लीन भी करने हैं एट द एंड। लिप क्लीनिंग करने से एकदम प्रोफेशनल लुक आता है मेकअप में। अब आप देखो लिपस्टिक का कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, राइट? कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर सा कलर है। डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए ये शेड। अब देखो ब्राइड भी हैप्पी हो गई लिपस्टिक को देख के कि हाँ अब अच्छी लग रही है। अभी हमारा जब हम नेक बेस करेंगे, हेयर स्टाइल करेंगे, तब जाके फुल लुक समझ में आएगा। बट स्टिल आप देखो लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। हमारी ब्राइड तो अभी से बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ मुझे मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। आई मेकअप उन्होंने मुझे बताया हुआ था, और बाकी उनका ये था कि आप जैसा कर दो मैं वैसा करवा लूँगी, मुझे आप पे पूरा बिलीव है, आप अच्छा ही करोगे। सो द थिंग इज़ आपको अपने क्लाइंट, अपने मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप बीच बीच में अपनी चलाओगे लाइक ऐसा कर दो आप वैसा कर दो, वही वो चीज़ आप पे सूट नहीं कर रही है। मेकअप आर्टिस्ट नोज बेटर कि आप पे क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा। बट लास्ट में अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो सूट नहीं कर रहा, तो आप उस पर चेंज करा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड हियर इज़ अ फाइनल लुक। उसके बाद हमने यूज़ करा था एक सेटिंग स्प्रे जिस फ्रॉम क्रायलॉन, एंड ब्राइड का था मोल जिन उनको वो हाईलाइट कराना था। अभी आप देखो हेयर स्टाइल हो गई है, बट हल्का हल्का हेयर्स में फाउंडेशन लगाया है, तो वो हम क्लीन कर देंगे। अभी बिंदी हमने लगा दी है, एंड इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर विच इज़ फ्रॉम ओफ्रा। काफ़ी ज़्यादा प्यारा हाइलाइटर, आप देखो कितना ज़्यादा नेचुरल सा ग्लो आ रहा है फेस से। अब ये ज्वेलरी पहन रहे हैं, एंड जब तक हम कर रहे हैं हल्का हल्का ब्लश एड ऑन। ट्रस्ट मी ये लोग बताए बहुत अच्छा लुक निकल के आया हुआ था, एंड बिंदी लगाने के बाद तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था मेकअप हमारा, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हमने इनको नथ पहनाई थी, एंड नथ भी बहुत सुंदर लग रही थी। मेकअप में चार चांद लगा दी नथ ने, अच्छी लग रही थी नथ। इनकी एक और नथ थी वो छोटी थी, पर वो सूट नहीं कर रही थी, दैट्स वाई हमने ये यूज़ करी। एंड ये नथ भी ट्रस्ट में बहुत अच्छी लग रही थी। एंड हियर इज़ द फाइनल फिनिशिंग लुक। आप देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसमें कोई फिल्टर भी नहीं है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।